विचारों के मंथन से विवेक और चेतना जन्म लेती है, जो अमर उसी प्रकार सागर मंथन के अंत में अमृत का उद्भव होगा, जो इस श्राप से संसार को मुक्त करेगा, सुख और समृद्धि का प्रसार करेगा। जो कोई भी उस अमृत को ग्रहण करेगा वो सदा सदा के लिए अमर हो जाएगा, अमर हो जाएगा, अमर हो जाएगा।